आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मौसम साफ होने से जहां उत्पादक मंडियों में नई सरसों की दैनिक आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं नई के साथ साथ ही पुरानी सरसों की कीमतों में मिला जुला रुख बना रहा। सरसों के खरीद भाव में जहां बीपी ऑयल मिल आगरा ने 100 रुपए की बढ़ोतरी की, वहीं आगरा ऑयल और जनरल इंडस्ट्रीज ने 100 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की है। अन्य ब्रांडों में मिलों ने खरीद भाव को पूर्व स्तर पर स्थिर बनाए रखा है। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव हल्की नरमी आकर भाव 7,975 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं, जबकि भरतपुर मंडी में सरसों के दाम 7,665 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। जानकारों के अनुसार उत्पादक मंडी में करीब 2.25 लाख बोरी सरसों की आवक हुई है, जिसमें नई की आवक 1.5 लाख बोरी से ज्यादा की थी। सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी कटाई तेजी से नई सरसों की आवक बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक दैनिक आवकों में और बढ़ोतरी होगी। वहीं व्यापारियों के अनुसार मौसम अनुकूल रहा तो आगामी दिनों में नई सरसों की दैनिक आवक जरूर बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव तो बनेगा, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में 18 फरवरी से फिर मौसम खराब होने की भविष्यवाणी की है, जो कि चिंता का विषय बन गया है। इस समय सरसों की कटाई चल रही है तथा ऐसे में मौसम खराब हुआ तो नई फसल की कटाई तो प्रभावित होगी, साथ ही ओलावृष्टि आदि हुई तो फिर पकी हुई फसल को नुकसान भी होगा। इसलिए आगामी दिनों में सरसों की कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।